चुनाव के पहले सवर्ण समाज का 10% का आरक्षण आनन फानन में और 2 दिन में पास कर दिया गया। तो ये जो दबी कुचली जातियां हैं, गरीब जातियां हैं, जो राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, इतने दिनों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोगों की लोकतंत्र में आस्था है, हम लोग मानवतावादी हैं, समानतावादी हैं, हम भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने उग्र आंदोलन नहीं किया, शांतिपूर्ण तरीके से जन सत्याग्रह आंदोलन समय समय पर हम लोगों ने चलाने का काम किया है। आज हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि यह जो भाजपा की सरकार है, जिसकी कथनी करनी में जमीन और आसमान का अंतर चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, वो जब 5वीं बार सांसद थे, उन्होंने पिछले चुनाव के पहले 2017 के विधानसभा के चुनाव के पहले लोकसभा में ये बयान दिया था, मांग किया था, लोकसभा अध्यक्ष के सामने खड़े होकर के बोले थे कि 17 पिछड़ी जातियां जो है, केवट बिंद निषाद कश्यप भर प्रजापति गौ मल्ला इत्यादि एक काफी पिछड़ी हुई है, इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, ये अनुसूचित जाति में शामिल करने की सारी शर्तें पूरी करते हैं। लोगों ने उनके आश्वासन पर आकर उनकी सरकारें बनाया। इसके बाद अभी जो 19 का विधानसभा का चुनाव हुआ लखनऊ में, फिर मुख्यमंत्री योगी ने बिंद निषाद केवट कश्यप 17 जातियों का एक सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन बुला करके कहा कि सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश में इन जातियों को धोखा दिया है, आरक्षण नहीं दिया, आप लोग हमारी सरकार बनाइए, पुनः 2019 में हम आपको आरक्षण देने का काम करेंगे। सीधा साधा भोला भाला गरीब समाज उनके बहकावों में झांसे में आकर के, जो कि तमाम पार्टियां जैसे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, अन्य तमाम सामाजिक संगठन, तमाम दल जो कि आपके आरक्षण की लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ रहे थे, ऐसे लोगों को भी नजरअंदाज करके, धोखे में आकर के उनके आश्वासन में कि इनकी दोनों जगह पर गवर्नमेंट है, ये लोग आरक्षण दे सकते हैं, लोगों ने तमाम पार्टियों, तमाम दलों, तमाम प्रत्याशियों को नजरअंदाज करके बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। पुनः केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार पदारूढ़ हुई और सत्ता पाने के बाद वो पुनः अपने वादे से पीछे हट गए, जो कि उन्होंने शासनादेश जारी भी किया था, हाईकोर्ट की अनुशंसा पर पुनः अपना शासनादेश वापस लेने का काम किया। यदि उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता, वो धोखेबाज और विश्वासघाती नहीं होते, तो वो अपना शासनादेश वापस नहीं लेते, बल्कि प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का काम करते और मांग करते कि इन 17 पिछड़ी जातियों को जो भी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होना है संसद के द्वारा, वो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करके इनको SC में शामिल करिए, SC का कोटा बढ़ाइए। संवैधानिक प्रक्रिया केवल यही है कि धारा भारतीय संविधान में धारा 340, 341 और 342 का जिक्र है, जिसमें धारा 340 पिछले वर्ग से संबंधित है, 41 SC से संबंधित है और धारा 342 ST यानी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। धारा 341 के अंतर्गत इस संसद में बिल ला करके लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पारित करा करके महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजें और वहां से जब यह कानून का रूप ले लेगा और वहां से जब आर्डर आ जाएगा पूरे देश के पैमाने पर, हर राज्य सरकारों के पास चला जाएगा, उनके सचिवों को चला जाएगा और पूरे देश के पैमाने पर आप SC में शामिल हो जाएंगे, यही प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया पूरा करने में उनको क्या दिक्कत है? जो कि संपन्न लोग हैं, जैसे सवर्ण समाज की जहां तक बात आती है, उसमें कहा गया कि जो 8 लाख तक की आय वाले हैं, जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख सालाना है, ऐसे लोगों को गरीब सवर्ण माना जा सकता है और इन्हें 10% आरक्षण दे दिया जाए। बताइए, जिसकी 8 लाख वार्षिक आमदनी हो, ऐसे लोगों को आरक्षण दे दिया जा रहा है। और आज जो गरीब जातियां हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि साल भर में 1-2 लाख की भी आमदनी नहीं है, लेकिन उनके आरक्षण में हीला हवाली किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी गद्दारी और विश्वासघात आपके साथ किया जा रहा है। आज यहाँ पर आपके संख्या बल को लेकर के कुछ साथी चर्चा किए हैं, तो आप सभी लोग किसानी मजदूरी का काम करने वाले लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, ज़्यादातर लोग मजदूर हैं और छोटे किसान हैं और छोटा मोटा रोजगार धंधा करके लोग अपना रोजी रोटी चलाने वाले लोग हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में जबकि खेती में इस समय काम चरम पर है, तो कार्यक्रम के पूरी तरह से विपरीत समय था। लेकिन कार्यक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, 18 तारीख से सत्र चल रहा है और 13 तारीख तक चलेगा, 13 दिसंबर तक। आज तीसरा दिन है संसद का शीतकालीन सत्र का। हम अपना संदेश, अपना मांग पत्र, जो 7 सूत्री मांग पत्र युक्त ज्ञापन है, वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को पहुंचा रहे हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। एक तरह से यह प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इस पर यदि उनकी वो भूले भी हो तो इसको देखे कि नहीं, यह गरीब समाज के लोगों का एक बड़ा मुद्दा है और वो लोग इस प्रचंड शीतकालीन अवस्था में, ठंड के समय में भी अपना रोजी रोटी, खेती किसानी, मजदूरी का काम छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनकी मांग को हमको संज्ञान में लेना चाहिए और हमें इनकी मांग को पूरा करना चाहिए। तो संसद के शीतकालीन सत्र की वजह से हम उनके संज्ञान में बात लाने के लिए अपना मांग पत्र आज उनको सौंपने का काम करेंगे। और बाकी तो जब 6 महीना चुनाव रह जाएगा, कुछ राज्यों में जैसे खास करके उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और दिल्ली आने का जो रास्ता है सरकार तक का, वो उत्तर प्रदेश बहुत बड़े पैमाने पर तय करता है। यानी दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है, 80 सीटें हैं। ऐसी परिस्थिति में आप लोग देखेंगे कि जब 6-7 महीना चुनाव रह जाएगा 2022 वाला, उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा गरमाएगा, उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा गरमाता है यह मुद्दा। दिल्ली के लिए तो, और जो हमारी 6 मांगे हैं वो तो दिल्ली के लिए भी हैं, लेकिन दिल्ली में तो ऑलरेडी जो निषाद लिखते हैं वो 80 में है, लेकिन अभी जो तमाम उपजातियां हैं वो 80 में नहीं है, दिल्ली के अंदर भी नहीं है, उनको भी दिल्ली में भी 80 में शामिल किया जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जिन राज्यों में ये 17 पिछड़ी जातियां 80 में नहीं है या ST में नहीं है, वहां के लिए ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। तो 6-7 महीना, 8 महीना जब चुनाव रह जाएगा 2022 का, आप लोग देखेंगे, यानी 2022 जनवरी फरवरी में चुनाव होना है, और 7-8 महीना पहले यानी 2021 में आरक्षण की चर्चा बड़े धूमधाम से बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, सपा भी करेगी, बसपा भी करेगी। वो कहेंगे कि हम सर्वे करा रहे हैं, ये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, वो प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, और फिर चुनाव में आपका वोट लेकर के फिर विश्वासघात कर सकते हैं। तो इसलिए शीतकालीन सत्र के दौरान हम उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं। एक सांकेतिक हमारा ये प्रदर्शन आज चल रहा है, इसके बाद बड़ा आंदोलन का भी आगाज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी करेगी, और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में एक बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम भी रखा गया है, शहीदों की धरती जो चंदौली है, जहां पर किससे कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले दादा झूरी बिंद, दादा समारू नेता समारू बिंद, ये लोग क्रांतिकारी थे। ऐसे लोगों की शहीदी धरती चंदौली है, उस शहीदी धरती पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, और उस स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशाल जन चेतना महारैली व जनसभा का भी आयोजन है स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। और यह कार्यक्रम चंदौली में मुगल सराय रेलवे जंक्शन, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है मुगल सराय, उस जगह पर हमने इसलिए रखा है ताकि स्थापना दिवस मनाने के लिए पार्टी का, और जन चेतना महारैली व जनसभा में भाग लेने के लिए भारत के किसी भी हिस्से से, किसी भी प्रांत से, किसी भी जिले से, क्षेत्र से, शहर से, गांव से लोग यदि आना चाहते हैं तो लोग ट्रेन पकड़ करके मुगल सराय आ सकें। मुगल सराय जंक्शन पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रदाधिकारी कार्यकर्ता आपका स्वागत करेंगे, और वहां पर वाहन की व्यवस्था होगी कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर वहां से कार्यक्रम स्थल पड़ेगा रेमा मोड़, जो कि बड़ा हाईवे है, विश्व सुंदरी रोड जिसको कहते हैं, रेमा मोड़ चौराहा है, जहां से कि सड़क इलाहाबाद के लिए निकलती है, पटना के लिए, चकिया के लिए, और मुगल सराय शहर में भी सड़क जाती है वहीं से, उस चौराहा से 400-500 मीटर की दूरी पर यह कार्यक्रम है। हम यह चाहते हैं कि वो कार्यक्रम को आप लोग लाखों लाख की संख्या में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करिए। वहां पर सारे मीडिया के लोग भी रहेंगे और वहीं से हम बड़े आंदोलन का भी ऐलान करेंगे। अगर आपने
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।